गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर। गाइस, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स बताए थे केमिकल चेंजेस के, यस गाइस, और एक एक्टिविटी भी बताई थी जिसमें हमने बर्निंग की थी मैग्नीशियम स्ट्रिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेटअप टू पास गैस थ्रू लाइम वाटर के थ्रू कैसे गैस पास आउट होती है। हम इसमें क्या करेंगे, टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम विनेगर यानी कि सिरका ले लेंगे एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमारे घर में अवेलेबल होता है, हम हालांकि घर में कीजिएगा मत, बट आप जानते हैं इसे, बेकिंग सोडा ले लेंगे। यू वुड सी बबल्स ऑफ अ गैस विद हिसिंग साउंड, आप देखेंगे हिसिंग साउंड निकलेगी सी जैसी और बबल्स भी निकलेंगे, आर कमिंग आउट फ्रॉम इट। पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, और इस गैस को हम लाइम वाटर में अगर पास कराएंगे, लाइम वाटर देखिए गाइस इधर, और अब विनेगर बेकिंग सोडा इस टेस्ट ट्यूब में लाया है और इससे हमने गैस इसमें पास आउट करा दी है। दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर उसे मिल्की कर देगी, मिल्की यानी कि मिल्क जैसा बना देगी। इससे पता चलेगा, इट शोज़ दैट दिस इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे पता चलेगा कि गैस जो है ये कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गाइस ये देखिए, यहाँ पर टाइम वाटर नहीं लाइम वाटर है, ये बुक का एरर है। यहाँ पर देखिए विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइस, ये दोनों चीज़ें ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ली, सॉरी, बनने के बाद क्या फॉर्म हुआ गाइस, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया तो एरो के बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्योंकि मैंने आपको बताया वो गैस है, और अदर सब्सटेंसेस बने। सो अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग गैस टू लाइम वाटर, जब हमने लाइम वाटर में गैस पास की तो नया सब्सटेंस बना, ठीक है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर, तो ये नया सब्सटेंस बन गया है। तो ये केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, देखिए गाइस, डिजॉल्व ए टी स्पून फॉर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विंट्रियोल, जिसे हम नीला तोथा कहते हैं, ये मार्केट में मिलता है, इसे हम कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व ए टी स्पून फॉल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए हाफ कप ऑफ वाटर। हम इस नीले तोथे को एक चम्मच को पानी बीकर के आधा बीकर जो है हाफ कप ऑफ वाटर इन बीकर में हम हाफ कप ऑफ वाटर ले लेंगे और उसमें हम एक चम्मच ये मिक्स कर देंगे। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड हमें लैब में मिल जाएगा, वो हम इसमें कुछ ड्रॉप्स उसकी डालेंगे। नाउ कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ब्लू, तो कलर जो हुआ सॉल्यूशन का वो कैसा हो गया गाइस, ब्लू हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक ए सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब एक टेस्ट ट्यूब में इसका थोड़ा सा सैंपल लेंगे। नाउ ड्रॉप ए शेविंग ब्लेड, और शेविंग ब्लेड हमारे पास रहता है, जो ब्लेड होता है उसे हम इसमें ड्रॉप कर देंगे, ठीक। नाउ ड्रॉप ए शेविंग ब्लेड और नेल इन टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, डाल देंगे हम आफ्टर हाफ एन आवर बाद हम देखेंगे तो कलर होगा और सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन में से हमने थोड़ा सा लिया था और बाकी में हमने क्या डाला था गाइस, ड्रॉप ऑफ शेविंग ब्लेड डाल दिया था, या फिर नेल, मतलब कोई भी कील डाल दी हमने। तो हमने आधे घंटे बाद क्या देखा, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया गाइस, ये ग्रीन हो गया है। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रीन फ्रॉम ब्लू, ब्लू से ग्रीन हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि अब आयरन सल्फेट बन गया है कॉपर सल्फेट से। अब हमने आयरन का ही तो डाला था, उसे नेल डाली थी या फिर जो ब्लेड डाला था आयरन का ही तो होता है, तो ब्राउन डिपॉजिट पाया जाएगा आयरन की नेल पर। आपको आयरन की जो नेल है, कील है या ब्लेड, उसके ऊपर हमें ब्राउन कलर का कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दिस केमिकल इक्वेशन इज, तो इससे हमें पता चलता है गाइस, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था प्लस आयरन हमने उसमें डाल दिया, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन हो गया और कॉपर जो है इसके अंदर से कॉपर निकल के वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर अलग हो गया गाइस, और ठीक है गाइस, और आयरन सल्फेट अलग हो जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe आयरन का फॉर्मूला है, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu यहाँ पर अलग हो जाता है। दस ऑन एडिंग आयरन टू द कॉपर, हमने क्या किया, आयरन को कॉपर में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो दो न्यू सब्सटेंस बन गए हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर जो हमें डिपॉजिट मिला ब्लेड पर, तो दो नए सब्सटेंस बने। तो देयरफॉर बाय अबाव एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि
ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ऐसा नहीं है केमिकल चेंज में कोई एक ही नया सब्सटेंस बनेगा, एक से अधिक सब्सटेंस बन सकते हैं. इंपॉर्टेंस देखिए केमिकल चेंज की. व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ सब्सटेंस, जब कोई केमिकल चेंज आता है, केमिकल टेक्स प्लेस इन अ सब्सटेंस, देन अ केमिकल रिएक्शन भी, जाहिर सी बात है कोई कोई केमिकल रिएक्शन तो होती है. तो दीज केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज. जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं गाइज, मैनी मेडिसन्स जो हैं केमिकल चेंज से बनती है, बाय मेड बाय अ चेन ऑफ केमिकल चेंजेस. मेटल जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम देयर ओर्स बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमें मेटल्स मिलता है, ऐसा नहीं मेटल हमें डायरेक्टली मिल जाता है. बॉइलिंग मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. बॉइलिंग मटेरियल भी बहुत सारे किससे, इसी से बनते हैं. प्लास्टिक भी केमिकल रिएक्शन से बनता है गाइस, ठीक है. प्लास्टिक्स ऑल्सो वी कैन से दैट ऑल न्यू मटेरियल जितने भी ऑब्टेन होते हैं ड्यू टू केमिकल चेंजेस होते हैं. यहाँ फिजिकल केमिकल चेंजेस के यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये टेम्परेरी चेंज है, ये परमानेंट चेंज है. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं. ये रिवर्स हो जाता है इजीली, ये रिवर्स नहीं होता है. देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा तो कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, लेकिन इसमें न्यू प्रॉपर्टी मिलती है क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो जाता है. एनर्जी मे और मे नॉट बी एब्जॉर्ब और रिलीज हो सकता है. एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो भी सकते हैं, नहीं भी. और इसमें सम काइंड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है. उसके बाद गाइज एक वो है आपका एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन पे आपने जंग देखा है लगा हुआ. व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, जब आप किसी भी लोहे की चीज़ को मॉइस्चर, जहाँ मॉइस्चर होता है नमी सी होती है, क्योंकि नमी है पानी है तो वहाँ पर एयर तो है, जाहिर सी बात दोनों चीज़ों से जब मिलती है तो ये स्लोली गेट कोरोडेड, ख़राब होने लगता है, ठीक है. आयरन इज़ मोस्ट कॉमन मेटल है विच इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स में, कार्स में, शिप्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आयरन ही है. ब्रिजेस, ट्रक्स, बसेस एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. जैसे आयरन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस ली प्लस वाटर की प्रेजेंस. मैंने आपको बताया आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या कर देता है, आयरन ऑक्साइड और रस्टेड आयरन. ये देखिए Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है और ये हम इसे हम रस्टेड आयरन भी कह सकते हैं. वी कैन प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग से हम कैसे बचा सकते हैं लोहे की चीज़ों को, उनके ऊपर पेंट या ग्रीस करके. दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. और अदर मेथड जो है प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग का वो है गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है गाइज, लेयर होती है क्रोमियम और जिंक की, वो डिपॉजिट करा दी जाती है आयरन के ऊपर. ऑल द आयरन पाइप जितने भी होते हैं विच आर यूज टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. आयरन के पाइप जो वाटर में टैंक, वाटर टैंक वगैरह की वाटर की सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें गैल्वनाइज्ड किया जाता है. शिप्स जो है गाइस, शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड वन बिग पार्ट रिमेन इन वाटर. इसका बहुत बड़ा पार्ट वाटर में रहता है शिप्स का. वी नो दैट सी वाटर इज सॉल्टी होता है एंड सॉल्टी वाटर इंक्रीज द रस्टिंग प्रोसेस. सॉल्टी वाटर जल्दी से रस्ट करा सकता है आयरन को, इसीलिए जो शिप्स हैं वो सफ़र लॉट ऑफ डैमेज, उसमें ज़्यादा डैमेज हो जाता है रस्टिंग का इन स्पाइट ऑफ बींग पेंटेड. पेंटेड होने के बाद भी वो रस्टेड हो जाता है. सो अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर. तो एक छोटा सा पार्ट का, मतलब जो पार्ट है उसका शिप का, वो एवरी ईयर चेंज किया जाता है कभी उसमें रस्टिंग हो गई हो. स्टेनलेस स्टील जो होता है मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकिल एंड मैग्नीशियम. इट डज नॉट रस्टिंग देयर फॉर इट इज़ कॉस्टली. ये रस्ट नहीं होते हैं स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी चीज़ों की कोटिंग कराई जाती है, इसीलिए कॉस्टली भी होते हैं. उसके बाद है गाइज आपका क्रिस्टलाइजेशन. द साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी बाई इवोपरेशन मैथड. जो इवोपरेशन मैथड के थ्रू हमें सॉल्ट मिलता है समुद्र से, बट ऑप्टेन सॉल्ट इज़ नॉट प्योर. लेकिन जो सॉल्ट मिल रहा है वो प्योर नहीं है. इट इज़ क्रिस्टल्स, इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल. इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है गाइस, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो छोटे छोटे थे. हाउएवर द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म देयर सॉल्यूशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप